हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नितिन ट्रैवलो। सो मेरा नाम है नितिन चौधरी। तो दोस्तों, इस व्लॉग की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये तार कहाँ जा रहा है? ओके, तो इस व्लॉग की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ऐसी सी घटनाएँ, ऐसी सी चीज़ें हुई हैं इस व्लॉग में जो आज तक मेरे व्लॉग में नहीं हुई थी भाई। एक मेरा वोडाफोन का इशू जो हुआ था वो क्लियर हुआ था। दूसरा झगड़ा भाई, एक झगड़ा हुआ था। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं घर से बाहर निकला और बाहर निकल के मैं पहली बार आज बनाने वाला हूँ मोटो व्लॉग छोटा सा। तो भाई, हम बाइक पे बैठे, अपनी बाइक स्टार्ट करी और निकले हम वोडाफोन स्टोर के लिए। और इस बंदे को भाई कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो बाकी की कहानी, वोडाफोन स्टोर पहुँच गया। तो ये भाई, हम वोडाफोन स्टोर पहुँच गए यहाँ पर, और अंदर की कहानियाँ बताऊँगा बाद। तो वोडाफोन स्टोर पहुँचने के बाद जो मेरा इशू था वो तो सॉल्व नहीं हुआ, पर जब मैं बाहर आया तो भाई वहाँ पे कुछ और ही हो रहा था। मैं बाहर आया तो देखा भाई वहाँ पे आवाज़ आ रही है चिल्लाने की बहुत ज़ोर ज़ोर से। बगल में जो गली थी, साइड में जो गली थी, मैं वहाँ पे गया। मैंने देखा कि वहाँ पे भाई दो लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, धक्का मुक्की कर रहे हैं। आई थिंक थप्पड़ भी मारा था किसी ने। और बाकी आप कहानी देखिए क्या क्या हुआ था। क्या हो गया भाई साहब? क्या पता यार, पता नहीं। मैं तो भाई बंदूक बंदूक दूर रखो, आप बंदूक छीन लो। और उनकी वाइफ भी उनको यार थोड़ा सा ना एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही थी या फिर बढ़ावा दे रही थी कि भाई उसने आपको थप्पड़ मारा है। तो भाई ऐसे में तो गुस्सा और भी बढ़ जाता है इंसान का। ऐसे में फैमिली को संभालना चाहिए बातों को, क्योंकि अगर वो बंदूक उठा लेता, चला देता, अगर वो गार्ड वहाँ से ना जाता वापस, उसको छीनने ना देता, तो शायद कुछ बड़ी चीज़ हो सकती थी। तो भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पर। दो और पाँच सात मिनट बाद आई थिंक सब नॉर्मल हो गया था। मैं वहाँ से चला गया था क्योंकि वो काली ग्लोज बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो फिर मुझे ज़्यादा रुकना सही नहीं लगा, तो मैं वहाँ से निकल गया। अब आते हैं वोडाफोन की कहानी पे, जो कि हमारी कहानी है, हमारा इशू है। अब वो इशू क्या है भाई? वोडाफोन की जो सर्विस, मतलब क्या सर्विस है, है? मतलब मज़ा आ गया। मतलब आप हंसोगे या गुस्सा करोगे, आई डोंट नो भाई। कहानी बड़ी ख़तरनाक है। आप देखो, मेरा बहुत छोटा सा इशू था, मुझे अपना पोस्ट पेड सिम प्री पेड में करना था वोडाफोन में, पर लेकिन नहीं हुआ। तो बात है मई की, मई के 20 तारीख के आसपास मैं उनके स्टोर पे गया, जो मेरे घर के आसपास जो नियरेस्ट है वहाँ पे गया। उनको मैंने बोला जो मेरा पोस्टपेड सिम है वो प्रीपेड में करना है, तो क्या फॉर्मेलिटीज़ है, कैसे होगा, आप प्लीज़ कर दो। तो उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट डाल देते हैं यहाँ से। तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने के बाद कॉल सेंटर से आपको कॉल आएगा 24 घंटे के अंदर, जिससे कि वेरीफाई हो जाएगा और आपको सिम मिल जाएगा दूसरा। एंड इट लुक्स वेरी ईजी, पर ना वोडाफोन की सर्विस इतना आसान थोड़ी था। तो भाई हमने वेट किया 24 घंटे, बल्कि 48 घंटे, 48 आवर्स में रुका। और तीन दिन बाद मैं दोबारा गया वहाँ पे कि भाई कॉल तो आई नहीं मेरे पास, और तब तक मेरी जो बिल साइकिल थी वो चालू हो गई नेक्स्ट मंथ की। चलो कोई बात नहीं, जब बिल साइकिल नेक्स्ट मंथ की हो गई चालू, उसके बाद मैं दोबारा तीन दिन बाद वहाँ जाता हूँ कि भाई मुझे कॉल नहीं आई है, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट तो डाली हुई है, आप फिर से मैं रिक्वेस्ट डाल देती हूँ, आप वेट कीजिए 24 आवर्स के लिए, फिर से और कॉल आ जाएगी इस बार। तो हमने सोचा चलो इस बार तो आई जाएगी। मैं घर आया अपना, बैठा आराम से, और तीन दिन मैंने फिर से वेट किया, कॉल नहीं आई। फिर मैंने इनके कॉल सेंटर पे कॉल किया। वो भाई साहब को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई फॉर्मूला होता है, ऐसा भी कोई टेक्निक है कि भाई 48 आवर्स का वेट करना होता है, वेरीफाई होता है ये वो। फिर मैंने उनको बोला कि भाई किसी सीनियर से बात कर लो, उनसे पूछो। फिर फाइनली उसने मेरे को 10 मिनट होल्ड पर रखने के बाद बताया कि हाँ जी हाँ जी ऐसा कुछ होता है, और आपको 48 आवर्स का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद कॉल आ जाएगी, उसके अंदर कॉल आ जाएगी। तो मैंने उन भाई पर भी भरोसा कर लिया, भरोसे कर सकते हैं कस्टमर और क्या करेगा। तो भाई फाइनली कॉल नहीं आई, एज़ यूजुअल कॉल नहीं आई। और फिर मैं फिर से इनकी कस्टमर केयर पे जाता हूँ, यहाँ पे जो मेरे घर के आसपास इनका स्टोर है, वो कहते हैं कि भाई मैं फिर से डाल लेती हूँ रिक्वेस्ट। तो मैंने कहा कि देखो 15 दिन निकल चुके हैं, आप इस तरह से रिक्वेस्ट डालते रहोगे, मेरा काम हो नहीं रहा है, मेरी बिल साइकिल चालू हो गई है, अब ऐसे में क्या करूँ? मैंने उनको बोला कि ठीक है, ऐसे में फिर आप मेरा सिम बंद कर दीजिए, या फिर मैं इसको पोर्ट कर लेता हूँ दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ।
उनको 0.1 सेकंड भी लगा कि ओके आप कर लीजिए पोर्ट, मतलब कमाल है। क्योंकि ना उनकी ना कोई बात रिकॉर्ड हो रही है, ना कोई कंप्लेन हो रही है, वो जो चाहे बोल सकती है। तो मैंने तुरंत वहीं उनके ऑफिस में खड़े होके पोर्ट का मैसेज डाल दिया, और उसके बाद की कहानी वो लड़ाई झगड़ा हुआ जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं बाइक पर बैठा और देखिए क्या हुआ। कमाल है भाई साहब, अभी ना फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो रखा लोगों का। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। जी बताइए, मतलब मयंक एक बात बताओ मेरे भाई, आज मैंने पोर्ट का मैसेज डाल दिया तो आपकी कॉल आ गई, और मैं 15 दिनों से रिक्वेस्ट डलवा रहा हूँ यहाँ पे कि कॉल आ जाए जिससे कि मैं अपना सिम पोस्टपेड से प्रीपेड कर सकूँ, वो तो एक बार भी कॉल नहीं आई, मेरे 15 दिन वेस्ट हो गए। मतलब इतनी बेकार सर्विस है ना भाई आपकी, इतने सालों से आपको कस्टमर हूँ, आज मैंने वीडियो बना दी आपकी सोशल मीडिया पर डालूंगा कि भाई इतनी गंदी सर्विस है, फद्दू सर्विस आप लोगों की, कोई सीमी ना ले आपसे। मैंने स्टोर विजिट किया भाई, दो बार गया हूँ, उन्होंने 24 आवर्स का टाइम मांगा कि आपके पास 3 कॉल आएगी जिससे कि वो कंफर्म कर लेंगे आपसे कि आप चेंज करना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने वेट किया, दो बार गया, वो भी इस पैंडमिक के टाइम में, मैं जा रहा हूँ बाहर, घर से निकल रहा हूँ, आपके स्टोर भी था अभी कुछ देर पहले, और फिर मैंने वेट किया कि कॉल आया नहीं, फिर मैंने आपके कॉल सेंटर में फ़ोन लगाया, वो कहते हैं जी 48 आवर्स के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगी। 15 दिन निकल चुके, एक कॉल नहीं आई, आज पोर्ट डाल दिया तो विद इन 5 मिनट्स में कॉल आ गई। क्या सर्विस, मतलब जाना, मतलब छोड़ के जाना मत। हमारे पास जहाँ पे 15 दिन से कोई भी कॉल नहीं आ रही थी, एक भी कॉल मेरे पास नहीं आ रही थी, वहाँ पे पोर्ट का मैसेज डालने के बाद विद इन 5 मिनट्स में कॉल आ जाती है वोडाफोन कस्टमर केयर की। मैं उन्हें समझा ही रहा था उनकी कॉल कट हो गई, मतलब इन लोगों के अगर I don't know उन्होंने जानबूझ के कट किया या इनका नेटवर्क इतना बुरा है कि इनकी खुद की कॉल्स भी ड्रॉप हो जाती है, कट जाती है, तो भाई समझ लो इस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़, फिर अनदर 5 मिनट्स में फिर से कॉल आ जाती है, देखिए कॉल आ गई है, ओके कट गया। सर अभी वैसे आपके एक एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी, उन्हें सारी बात समझाई थी मैंने, आई थिंक आप लोग रिकॉर्ड करते हो, आप सुन सकते हो कि क्या बात हुई थी। हेलो, ये तो आपके नेटवर्क है यार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, किसी भी जाएगी। ऐसे करते करते इनकी करीब करीब 1 घंटे के अंदर 5-7 कॉल आ जाती है, मतलब कि मैं इनको समझा रहा हूँ और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, पर तीसरी चौथी कॉल आते आते मैं तो बिल्कुल शांत हो गया था। हेलो, नमस्कार, विषय गौरव बात कर रहा हूँ जी, बताइए गौरव जी। तो उसके बाद भी यार इनकी कॉल आती रही और मैं घर पहुँच गया, घर पहुँचने के बाद भी इनकी कॉल आती रही, तो मैं घर पहुँचने के बाद जैसे मैं घर पहुँचा इनकी कॉल फिर से रिसीव की, मैंने फिर से समझाया कि भाई आपसे बात हो चुकी है मेरी, और मैं इतना फेडअप हो चुका था दोस्तों कि मैं नहीं चाह रहा था कि इनके साथ मैं अब इनके टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ मैं रहना चाहता हूँ, तो मैंने बिल्कुल साफ कर दिया कि ठीक है मुझे अब नहीं रहना है आपकी कंपनी में, मेरा जो मैंने पोर्ट डाला है मैं उसके साथ ही जाना चाहता हूँ। और भाई उसके बाद तो बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफ़र भी इन लोगों ने दिए कि आपको हम 3 महीने का प्लान फ्री दे देंगे, उसके बाद जो आपका प्लान अभी चल रहा है उसमें 50% डिस्काउंट कर देंगे, ये कर देंगे, तो बहुत कुछ उन्होंने रोकने के लिए कहा। पर लेकिन मैं समझ गया था कि अगर 15 दिन से मैं परेशान था तो आगे वो 3 महीने बाद अगर ये फ्री भी देते हैं मुझे तो सेम चीज़ होने वाली है मेरे साथ, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो
वैसे तो सभी के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर लगभग सेम ही सर्विस दे रही है, कुछ ऐसा खास सर्विस कोई नहीं दे रही है, पर मैं वेट नहीं कर सकता था इतना लंबा टाइम, तो फाइनली आई चोज एयरटेल फॉर दैट। सो अभी एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ एंड आई होप ये कंपनी, और एयरटेल को मैंने पहले भी चूज़ किया हुआ है काफ़ी अच्छे, मुझे कभी एयरटेल के साथ कभी इशू नहीं आया, काफ़ी लोगों के साथ हुआ भी होगा कुछ, पर मुझे पर्सनली एयरटेल के साथ कभी इशू नहीं आया था। तो ये चीज़, तो ये थी कहानी आज के ब्लॉग की। और एक दो दिन बाद मैं जा रहा हूँ हरियाणा वापस अपने शूट पे, जो मेरे बाकी जो मेरे दूसरे चैनल हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो भाई उनके बाद उनके ऊपर वीडियोस आने वाली है, और दिखाऊंगा कि आपको मैं हरियाणा में कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और क्या शूट कर रहा हूँ, और बिहाइंड द सीन्स में डालने की कोशिश करूँगा। काफ़ी कम लोग जानते हैं इस चैनल पर कि मेरे दो चैनल और भी हैं, एक है सारथी मोटर डील्स और एक है प्रॉपर्टी ऑन हिल्स, जहाँ पर मैं सारथी मोटर डील्स पे आपको कार का रिव्यू देता हूँ, सेकंड हैंड कार्स या न्यू कार्स और ओल्ड बाइक्स सुपर बाइक्स के रिव्यूज़ देता हूँ। तो भाई उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कार में इंटरेस्ट है, बाइक्स में इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती रहती है उसमें। और रही बात ट्रैवल की, और रही बात इस चैनल की नितिन ट्रैवलों की, तो भाई इस पे तो वीडियोज़ मैं आप सोच रहा हूँ कंटिन्यू डालता रहूँ, और एक राइड प्लान कर रहा हूँ, आई होप राइड प्लान तो होती रहती है, और होती नहीं है वो एक्चुअली, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आई होप फॉर द बेस्ट। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, बताइएगा आपकी राय क्या है वोडाफोन एयरटेल को लेकर, वोडाफोन को लेकर और जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर भी, कि क्या कहते हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग, एंजॉय लाइफ, एंजॉय डे, थैंक यू, बाय बाय।